is going to be simultaneous equations. Or this is going to be 3 marks, and this comes in every P1. Take care. So you won't find a single P1 just in the 3 marks ki simultaneous equation. नहीं आई होती. आप में से ना कुछ लोगों ने substitution याद किया होता है, कुछ लोगों ने elimination याद किया होता है. So there are two ways to solve this. One is called elimination. And the other is called substitution. So half of you people believe ke elimination zyada acha method hai, half of you people believe ke substitution is a better method. So aaj hum once for all time ye debate settle karenge ki kaun sa method theek hai. Actually ye dono methods bete aane aapko compulsory hain, theek hai, both methods are compulsory. Ab hum dekhne lage ki pehli baat to ye ki kab kaun sa method use hone, pehle main ye sikhaunga aur uske baad main aapko bataunga ki kaun sa method kaise use hona hai. So let's suppose आपको इन दोनों में से एक मेथड भी नहीं आता, तो आई एम जस्ट गोइंग टू टीच. तो आराम से बैठ के सिर्फ सुनने 15 टू 20 मिनट्स लगेंगे, दैट्स ऑल. अच्छा, सो पहला है जी मेथड हमारा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में. पहले तो फर्क करना कि कब एलिमिनेशन लगना है, कब सब्स्टिट्यूशन लगना है. सो इफ इट इज, इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, इफ द क्वेश्चन इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 and 3x plus 2y is equal to 17. Notice कीजिए, number x के नीचे x वाली term होनी चाहिए, y के नीचे y वाली term होनी चाहिए, और number के नीचे number होना चाहिए. अगर x के नीचे x, y के नीचे y, और number के नीचे number होगा, ठीक है, तो आपने बेटे हमेशा याद रखना है कि यहां पे कौन सा मेथड लगेगा, एलिमिनेशन लगेगा. अगर x के नीचे x, y के नीचे y, नंबर के नीचे नंबर नहीं है तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन लगेगा, ठीक है. सो रूल याद रख लें. सो इफ रिस्पेक्टिव टर्म्स और arranged above each other, तो बेटे आपने याद रखना है कि this is going to be elimination. अगर ये out of order हैं, तो उनको order में लाके elimination बनाने की कोशिश नहीं करनी है, ये भी याद रखना, ठीक है. मुझे पता है छोटी classes में हमने ये सीखा होता है, ठीक है. सो आपने उसको एलिमिनेशन बनाने की कोशिश नहीं करनी है. और फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं. सो फॉर एग्जांपल इधर की एग्जांपल देख लें, 3x इधर का क्वेश्चन है, 3x इज इक्वल टू 7y, ठीक है, 12y इज इक्वल टू 5x माइनस 1, ठीक है. So, अब यहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है. अगर x के नीचे x, y के नीचे y और नंबर के नीचे नंबर होगा, ठीक है, तो हमें ज्यादा सूट किया करेगा एलिमिनेशन. और अगर x के नीचे x, y के नीचे y और नंबर के नीचे नंबर नहीं होगा, तो हमें ज्यादा सूट किया करेगा सब्स्टिट्यूशन. बिकॉज मसला क्या है, मेथड दोनों ठीक है बेटे, आंसर दोनों से सेम आना है. प्रॉब्लम है बेटे यहाँ पे पेपर वन है. पेपर वन का सबसे बड़ा मसला क्या है, याद करें, टाइम मैनेजमेंट. तो अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो आपका सिर्फ टाइम ज्यादा हो जाएगा. इफ यू चूज द रॉन्ग मेथड, इफ यू चूज द अदर मेथड, रॉन्ग नहीं लिख रहा क्योंकि रॉन्ग कोई नहीं है, दोनों से आंसर ठीक आता है. इफ यू चूज द अदर मेथड, तो आपने याद रखना है बेटे कि इफ यू विल चूज द अदर मेथड, तो आपका टाइम ऑफ सॉल्विंग क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है. आंसर सेम आएगा, आंसर के ऊपर नहीं परेशान होना, आंसर विल बी सेम. अच्छा, अब क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है. अब हम सीखने लगे हैं दोनों मेथड्स को. सो मैं पहले पहला क्वेश्चन, एलिमिनेशन पहली चीज हम सीखने लगे.
एलिमिनेशन में क्या होता है, ये क्वेश्चन है, दोबारा लिख रहा हूं, 2xy 16 और 3x 2y is 17। बेटे अब आपने इनमें से किसी एक को सेम करना है, या तो x वाली टर्म को सेम कर लेना है या y वाली टर्म को सेम कर लेना है। ऊपर y है, नीचे 2y है, तो अब आप क्या सोचते हो, अब आप ऊपर वाली टर्म को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन, तो देखो वो क्या बन जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगी 4x minus 2y is equal to 32। नीचे वाली को वैसे ही लिख दो, 3x plus 2y is equal to 17। तो पहली बात तो उसका नंबर सेम करना है, आपने ऊपर भी 2y था नीचे भी 2y कर लेना है। अब इन दोनों का साइन जो है बेटे वो ऑपोजिट होना जरूरी होता है, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, ताकि प्लस 2y और माइनस 2y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और 7x is equal to, इनको ऐड कर ले, 3x plus, टोटल कर लेना, 4x plus 3x क्या हो गया 7x, 32 plus 17 क्या हो गया बेटे 49, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपके पास 7। अब आप y कैसे निकालेंगे, पुट x इन एनी ऑफ द अबव इक्वेशन, इन एनी ऑफ अबव इक्वेशन आपकी मर्जी की, पहली दूसरी तीसरी चौथी, जिसमें मर्जी, जिसमें छोटे नंबर्स हैं उधर पुट करना, जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 3x plus 2y में करते हैं, 3x plus 2y 17 जी, 3 into 7 plus 2y is equal to 17, 2y is equals to 17 minus 21, 2y is equals to minus 4, y is equals to minus 2y is equal to 17। दोबारा देख लें, x के नीचे x है, y के नीचे y है, number के नीचे number है, तो this is clear cut indication के ये elimination है। अच्छा बेटे अब देखो, मैं अगर now I'm going to try to make x same, तो मैं इस पूरी equation को 3 से multiply कर लूँगा to make x term same, ठीक है, ऊपर में कर रहा था y टर्म के साथ सेम, ठीक है, और इस ऊपर वाले में भी यही कर रहे थे, मेक y टर्म सेम, ठीक है। अच्छा जी, तो अब देखिएगा होने क्या लगा है, पहली इक्वेशन तो वैसे ही रहेगी, 3x plus 2y is 7, अब गौर से देखिएगा क्या होने लगा है, नीचे क्या हो गया 3x minus, 3 3s are 9 होता है बेटे, 9y is equals to 57, change all the signs of the lower equation, change all the signs of the lower equation, नीचे वाली equation के सारे signs change करते हैं बेटे, so ये positive 3 था ये minus 3 हो जाएगा, ये positive 3 था ये क्या हो जाएगा minus 3, ये negative 9y था ये plus 9y हो जाएगा, और ये plus 51 था ये minus 51 हो जाएगा, so आपने नीचे वाली equation के सारे signs change कर दिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब 3x में से 3x cutting हो रही है, खत्म हो गया, 2y plus 9y देखिएगा क्या हो जाएगा, 11y is equal to, 7 में से 51 minus करेंगे तो आंसर आएगा minus 44, यहां से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी minus 4, minus 2y is equal to 16 और 2x minus 3y is equal to 13। हमारी मर्जी होती है, यहां हम x को सेम कर लें या हम y को सेम कर लें, अब x को सेम करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टू मेक x सेम, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाली इक्वेशन को 5 से, जिस तरह मतलब आप एलसीएम नहीं लेते, जिस तरह एक के डिनोमिनेटर को दूसरे से करते हैं, दूसरे के डिनोमिनेटर को पहले से करते हैं, सो आपने अगर x को सेम करना था बेटे तो ऊपर वाले को 5 से करेंगे, ऊपर वाले
5 into 2, 10 हो जाएगा, नीचे वाला 2 into 5, 10 हो जाएगा. तो पहले उधर से करके देख लेते हैं क्वेश्चन. सो दिस विल बिकम, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि आराम से वर्किंग कर सके. ओके, सो अगर हम एक्स को सेम करने लगे, सो दिस विल बिकम 10x माइनस 4y इज इक्वल टू 32, और नीचे आ जाएगा जी 10x माइनस 5 3s 15y इज इक्वल टू 65. अब नोटिस करें कि अब x का तो साइन जो है वो सेम नहीं है, सेम है ऑपोजिट नहीं है. अब आप क्या करेंगे, नीचे के सारे साइंस क्या कर देंगे चेंज, माइनस प्लस और माइनस. तो हमें 10x नंबर सेम बनाना होता है और उसके बाद उसके साइंस ऑपोजिट रखने होते हैं. अगर साइंस ऑपोजिट ना आए तो क्या करना है, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देने हैं. 10x में से 10x बेटे खत्म हो जाएगा, माइनस 4y प्लस 15y, दिस विल बी 11y इज इक्वल टू माइनस 33. y की वैल्यू बेटे यहां से आ जाएगी माइनस 3, 11 जाके डिवाइड हो जाएगा उधर. अब आपने x निकालना है तो ऊपर किसी भी इक्वेशन में जाके पुट कर दो. सो मैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 में पुट कर रहा हूं. सो 2x माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 13 2s 26. अब नोटिस करो, अब y सेम हो गया लेकिन बेटे उसके साइन सेम नहीं है, सॉरी साइन सेम है ऑपोजिट नहीं है. तो आप नीचे वाली लाइन की क्या करोगे, साइन चेंज कर दोगे, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव. ये अब माइनस 6y प्लस 6y खत्म हो गया, 15x माइनस 4x 11x बच गया इज इक्वल टू 22. यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी पहले 2, और अब आप इसको x को ऊपर जाके कहीं पे भी पुट कर दो. मैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13 में पुट कर रहा हूं. So 2 into 2, 4, minus 3y is equals to 13. So minus 3y is equals to 13 minus 4. Minus 3y is equals to 9. और y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस 3. सो आपके आंसर्स दोनों तरह से सेम आते हैं, चाहे आप x को सेम बना लो या y को सेम बना लो. तो इट्स टोटली अप टू यू. सब्स्टिट्यूशन लगा दिया होगा या सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन के ऊपर एलिमिनेशन लगा दिया होगा तो वो इतना लंबा हो जाता है कि वो क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहा होता. ठीक है, सो आपने सबसे पहले विलिंगनेस डेवलप करनी है कि आपने दोनों मेथड्स करने हैं, अदरवाइज आपको वंस इन अ वाइल बहुत मुश्किल हो जाएगा. अच्छा, करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में से मेक एक्स सब्जेक्ट, मेक एक्स और वाई सब्जेक्ट from one equation. दूसरी बात, put this in the second equation. Second की जगह मैं other का word लिखूंगा, second से लगता है कि second वाली में, second की जगह other का word लिखूंगा. एक इक्वेशन से एक्स या वाई को सब्जेक्ट बना लेंगे और उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूं. सो फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट इक्वेशन से मैं पहले क्वेश्चन में ना स्टेप्स लिख रहा हूं साइड्स पे, ठीक है, ताकि आपको समझ आता जाए. तो स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे. अच्छा, सो मेक एक्स सब्जेक्ट, मेकिंग एक्स सब्जेक्ट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. बेटे पहली इक्वेशन से हमने एक्स को सब्जेक्ट बना लें तो बेटे देख लें आपके पास क्या इक्वेशन है, 3x is equals to 7y है. दूसरी इक्वेशन क्या है बेटे, 12y is equals to 5x minus 1. इनको आमने सामने लिख लें. इधर से बेटे फर्स्ट इक्वेशन से एक्स को सब्जेक्ट बना लें तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7y over 3. पुट दिस इन द अदर इक्वेशन, पुट दिस इन अदर इक्वेशन. बेटे दूसरी इक्वेशन में जाएं, x की जगह पे ये पुट कर दें, 12y is equals to 5 into x की जगह पे क्या आ जाएगा बेटे, अब 7y over 3 minus 1. 3 को उधर भेज दें, y को इधर ले आएं, 36y minus 35y is equal to minus 3. तो
तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री। अब ये y को कहां पे पुट करना है ले जाके, आपने y को जाके यहां पे पुट करना है वापस, x इज इक्वल टू 7 इनटू माइनस 3 ओवर 3, x इज इक्वल टू माइनस 21 ओवर 3, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7। बताए चाहे आप x को सब्जेक्ट बनाए चाहे आप y को सब्जेक्ट बनाए, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो आपने किसी भी इक्वेशन से x या y को अपनी मर्जी से सब्जेक्ट बना लेना है, जब वो सब्जेक्ट बन जाए तो उसकी वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में जाके पुट कर दिया करनी है, दूसरी इक्वेशन सॉल्व हो जाया करेगी, और जो y की वैल्यू आई उसको उठा के, अब सुने जब पिछले मेथड में एलिमिनेशन में एक वैल्यू आ जाती थी तो मैं कहता था इसको उठा के जहां मर्जी पुट कर दें, अब भी पुट जहां मर्जी कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बेहतर होता है उसको सब्स्टिट्यूशन में जाके पुट करें, जल्दी आंसर आ जाए। डोंट ट्राई टू रीअरेंज इट, डोंट ट्राई टू मेक इट एन एलिमिनेशन का क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन पे रहना आसान रहेगा। अच्छा अब मैं करने क्या लगाऊं, आई एम मेकिंग एक्स सब्जेक्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, आपकी मर्जी होती है, आपने जहां से मर्जी जिस चीज को मर्जी सब्जेक्ट बना सकते हैं, जहां से आपको आसान लग रहा हो किसी चीज को सब्जेक्ट बनाना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा आंसर के ऊपर बेटे। तो एक इक्वेशन है x plus 2y is equals to 21 और दूसरी है 3y is equals to 2x। तो मैं सेकेंड इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट अगर बना लूं तो वो क्या बन जाएगा बेटे, 21 minus 2y। तो बेटे ये सब्जेक्ट बन गया हमारे पास, अब इसकी वैल्यू उठा के इधर जाके x की जगह पुट कर दें। So, दूसरी इक्वेशन में जाएं, 3y is equals to 2 into 21 minus 2y हो जाएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3y is equals to 42 minus 4y, 7y is equals to 42, and y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 6। अब इसको कहां जाके पुट करना है, इधर वाली सब्स्टिट्यूशन में लेके जाके पुट करें, जल्दी आंसर आएगा 21 minus 2 into 6, 21 minus 12, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 9। अब मेथड सीख लें क्या है, अब देखो कितनी छोटी वर्किंग हो रही है, ठीक है। अब मेथड सीख लें क्या है, आपने एक इक्वेशन से किसी एक चीज को सब्जेक्ट बनाना होता है, ठीक है, उसको जाके दूसरी इक्वेशन में पुट करना होता है, वहां से आपको x या y मिल जाता है, ठीक है। अच्छा मेरी आदत है मैं हमेशा x को सब्जेक्ट बनाता हूँ, कोई लाजमी नहीं है आप हमेशा y को सब्जेक्ट बना लिया करो, या आपको उस टाइम पे जो चीज आसान लगे सब्जेक्ट बनाना आप उसको सब्जेक्ट बना लिया करो। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कि आपने किस चीज को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। सो ये बात क्लियर रखिएगा, ओके। x plus y equal to 29, 4x minus 2, ठीक है। अच्छा अब देखें x के नीचे x, y के नीचे y और नंबर के नीचे नंबर नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन पे शिफ्ट करेंगे। तो आई एम मेकिंग x सब्जेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, आसान चीज को सब्जेक्ट बनाया कीजिएगा, अपने लिए मुसीबत ना डाल लेना प्लीज वहां पे, ठीक है। अच्छा तो दो इक्वेशन है, x plus y is equals to 29, 4x is equals to 95 minus 2y, यहां से बेटे आप x को सब्जेक्ट में ना लो वो आ जाएगा 29 minus y, इसकी वैल्यू को अब उठा के यहां जाके x की जगह पे पुट कर दो तो 4 into x की जगह क्या आ जाएगा बेटे 29 minus y is equals to 95 minus 2y, so 4 into 29 कर लेती हैं, so 58 और 58 हो जाएगा 116 minus 4y, साइड पे लिख के बेशक मल्टीप्लीकेशन कर लेना कोई मसला नहीं, 95 minus 2y, 116 minus 95 is equal to 4y minus 2y, 2y is equal to 21 आ जाएगा।
y की वैल्यू आ जाएगी 21 ओवर 2. अब ये y की वैल्यू उठा के इधर लाके पुट करें, y इज इक्वल टू 29 माइनस 21 ओवर 2. एलसीएम ले लें तो 29 जो है बेटे वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 58. तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 37 ओवर 2.